पर ताला लगा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों को कह दिया कि अगर खरीद नहीं करनी है तो घर जाकर बैठ जाओ। किसानों का कहना है कि अगर जल्द उनकी खरीद शुरू नहीं की गई तो वे आत्मदाह कर लेंगे। तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जिम्मेदार की जितनी भी फसल पड़ी है ये सोना पड़ा है, ये 10 दिन से और 15 दिन से पड़ा है, इसको सरकार खरीद नहीं रही। कल खरीद के नाम पे यहाँ पर आए, 100 डेरी से 2 डेरी खरीदी, उसमें मोर्चर बता देते हैं जिम्मेदार यहाँ पड़ा 10 दिन से रात दिन। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं जिम्मेदार का एक एक दाना खरीदिए। यदि जिम्मेदार को आड़ती का दुख, आड़ती की अर्थ का दुख है, कोई अर्थ की हमें जरूरत नहीं है। वो अपना माल जिम्मेदार का माल ठाके उनकी पेमेंट करे। जब तक किसान की फसल नहीं उठेगी तब तक हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। यदि इस फसल को बर्बाद कर दिया, 15 दिन से पड़ी है, जिसको मोस्चर बता के उसको छोड़ देते हैं। कल ही आई थी, कल 10 डेरी खरीदने के बाद जवाब दे दिया ये भी मोस्चर है, ये भी मोस्चर है, मोस्चर के नाम पे, डैमेज के नाम पे। उधर सिरसा में बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने गई टीम के साथ मारपीट करने के विरोध में कर्मचारियों ने बरनाला रोड स्थित बिजली निगम कार्यालय में धरना दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की और प्रदर्शनकारियों का यह कहना था कि राम कॉलोनी के स्थानीय नेता और अन्य ने मारपीट की, सरकारी कार्य में बाधा डाली और जान से मारने की धमकी दी थी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने नारेबाजी की और धरने को सर्व कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बिजली निगम के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी ओर जिन लोगों का बिजली कनेक्शन काटा गया है वो कर्मचारियों के खिलाफ उपायुक्त को ज्ञापन सौंप चुके हैं। दरअसल बकाया बिजली बिल वालों के कनेक्शन काटने और रिकवरी के लिए बिजली निगम ने विशेष अभियान शुरू कर रखा है। अभियान के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटे जा रहे हैं जिनका बिल लंबे समय से बकाया है और इस अभियान के विरोध में आज बीजेपी नेता भूपेंद्र खट्टर के नेतृत्व में लोगों ने बिजली निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। अभियान में शामिल कर्मचारियों पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप जड़ते हुए उनके निलंबन की मांग की। बरनाला रोड स्थित बिजली निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन के बाद रोष मार्च निकालते हुए प्रदर्शनकारी लघु सचिवालय पहुंचे। दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहां पर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। लोगों के प्रदर्शन के पहली तस्वीर है, ये सिरसा की तस्वीर है दोनों, दूसरी तरफ बिजली निगम के कर्मचारियों का प्रदर्शन है। कर्मचारी और उपभोक्ता आमने सामने है। बिजली बिल को लेकर के बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है।